तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जो कि कोल सैंपलिंग के ऊपर बेस्ड है। यानी कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ कोल सैंपलिंग। यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं से हमें कोल को परचेज करना है या हमारे पास कोल है तो उसका क्वालिटी चेक करने के लिए हम लोग उस पर एक एनालिसिस करते हैं, जिसको हम लोग प्रॉक्सिमेट या अल्टीमेट एनालिसिस करके उस कोल का हम लोग क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। यानी कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जीसीबी वगैरह कितना है, वो सब चीज हम लोग चेक करते हैं। तो जीसीबी चेक करने के लिए किसी भी मेथड से आप अल्टीमेट करें या अप्रॉक्सीमेट करें, सबसे पहले उस कोल का आपको सैंपल कलेक्शन करना पड़ता है। यानी कि उस कोल का हम लोग सैंपलिंग करते हैं। तो ये जो सैंपलिंग है वो डिफरेंट मेथड से किया जाता है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ कोल सैंपलिंग। यानी कि मान लीजिए कि आपको कहीं से कोल परचेज करना है, जैसे कि हमें किसी खदान से कोल परचेज करना है, तो हम अपना रिक्वायरमेंट बोलेंगे कि हमको इतना जीसीबी का, यानी कि जैसे 4000 किलो कैलोरी पर केजी जीसीबी का हमें कोल चाहिए। तो खदान वाले क्या करेंगे, उस कोल का 4000 जीसीबी जिस कोल का भी होगा वो आपको भेज देंगे, जितना आपका रिक्वायर्ड है उतना वो लोग भेज देंगे। तो जैसे ही हमारे प्लांट में कोल आ गया तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसका जीसीबी देखेंगे कि हमने जितना जीसीबी का मंगाया है कोल उतना है या नहीं है। तो ये जो सैंपल कलेक्ट करते हैं ना, उसका डिफरेंट मेथड्स होता है। तो जैसे ही आपका कोल यार्ड में आया और उसके बाद वहां से आपने डायरेक्ट क्या किया, सैंपल को कलेक्ट किया, तो उस टाइप का जो पहला मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एज रिसीव्ड बेसिस। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही हमारा कोयला आया वैसे ही हमने ले लिया, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, उसका एनालिसिस किया और हमने जीसीबी फाइंड आउट किया। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ARB, मतलब कि एज रिसीव्ड बेसिस। इस टाइप का जो सैंपल होता है इसमें सभी मॉइस्चर को इंक्लूड किया जाता है। यानी कि हम लोग का जो टोटल मॉइस्चर है वो इसमें अवेलेबल रहता है। यानी कि आप यहां पर क्या लिख सकते हैं कि इंक्लूड ऑल मॉइस्चर, ठीक है। यानी कि इसमें क्या रहेगा, TM टोटल मॉइस्चर इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एक मेथड होता है जिसको बोला जाता है कि एयर ड्राई बेसिस। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ADB। इसका मतलब क्या हो गया कि एयर ड्राई बेसिस, यानी कि इसको हम लोग एटमोस्फियर में ऐसे ही 24 आवर के लिए, यानी कि हमने सैंपल कलेक्ट किया लेकिन उसका उसी समय हम लोग जीसीबी फाइंड आउट नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि जो कोल सैंपल है उसको ऐसे ही एक सर्टेन टेम्परेचर पे, जैसे कि हमारा एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पे, इसको 24 आवर के लिए छोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा कि उस सैंपल के अंदर जो भी सरफेस मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाएगा। टोटल मॉइस्चर इक्वल टू क्या होता है, सरफेस मॉइस्चर प्लस इनहेरेंट मॉइस्चर। तो हम लोग सरफेस मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं तो हमारा बचा क्या, इनहेरेंट मॉइस्चर। तो इस टाइप का जो हमारा सैंपल होता है उसमें क्या इंक्लूड रहता है, तो इंक्लूड IM, यानी कि इनहेरेंट मॉइस्चर, क्योंकि हमारा सरफेस मॉइस्चर ऐसे 24 आवर के लिए छोड़ने से क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो इसमें हमारा क्या है, केवल इनहेरेंट मॉइस्चर अवेलेबल है। इसके बाद हम एक और सैंपलिंग करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड होता है ड्राई बेसिस। इसका शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, DB, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा सैंपल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एयर ओवन में 120 डिग्री सेल्सियस के करीब में टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और उस सैंपल को 1 आवर के लिए छोड़ देंगे। तो 120 डिग्री सेल्सियस जैसे आप रखते हैं तो उसके अंदर जो भी इनहेरेंट मॉइस्चर है ना वो भी रिमूव हो जाता है और साथ साथ हमारा जो सरफेस मॉइस्चर है वो भी रिमूव हो जाता है। इस तरह से अगर बोला जाए तो हमारा ड्राई बेसिस में क्या करते हैं, सैंपल को 1 आवर के लिए 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम लोग रखते हैं जिससे हमारा जितनी भी मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाता है। तो इसमें आप क्या लिख देंगे कि हमारा जितनी भी मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाता है, यानी कि एक्सक्लूडिंग ऑल मॉइस्चर।
यानी कि इसमें से हमारा जितनी भी मॉइस्चर है वो रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग इसका जिस भी फाइंड आउट करेंगे इस टाइप का जो सैंपल है उसको हम लोग ड्राई बेसिस बोलते हैं। और एक और लास्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ड्राई एस फ्री बेसिस, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डी ए एफ, ड्राई एस फ्री बेसिस। तो इस टाइप में क्या होता है कि हमारा एक्सक्लूडिंग ऑल मॉइस्चर प्लस जो भी हमारा एस है उसको भी रिमूव करके हम लोग जीसीवी फाइंड आउट करते हैं, यानी कि एक्सक्लूडिंग ऑल मॉइस्चर एंड एस, यानी कि सबसे पहला हमारा जो है वो एज रिसीव्ड बेसिस, यानी कि जैसे ही हमारा कॉल आया उसको हम लोग डायरेक्ट सैंपल लिए और हम लोग उसका क्या किए, जीसीवी फाइंड आउट कर लिए, यानी कि उसमें टोटल मॉइस्चर अवेलेबल रहेगा। तो उस कंडीशन में जब हम लोग जीसीवी फाइंड आउट कर रहे हैं तो मान लीजिए हमारा जीसीवी कितना आ रहा है, तो 3000 किलो कैलोरी पर केजी के करीब में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या किए कि हमारा दूसरा आता है, एक और सैंपलिंग का मेथड है जो कि है क्या है, एयर ड्राई बेसिस। इसका मतलब क्या है कि हम लोग उसको उस सैंपल को डायरेक्ट हम लोग बम कैलोरीमीटर में डाल के उसका टेस्ट नहीं करें, जिस भी नहीं फाइंड आउट करें, बल्कि उसको हम लोग क्या करें 24 आवर के लिए उसका जो सैंपल है उसको ऐसे ही रख देंगे और उसके बाद जो सैंपल होगा उससे हम लोग जिस भी फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका जो सरफेस मॉइस्चर है उसमें से रिमूव हो चुका है, तो उस कंडीशन में आपका जो जिस भी है वो ज्यादा आएगा। तो जो 3000 है वो मान लीजिए आपका आ गया है 3300 किलो कैलोरी पर केजी के करीब में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक होता है ड्राई बेसिस, इसका मतलब कि इसमें से जितने भी मॉइस्चर है उसको हम लोग रिमूव कर दिए, तो उस कंडीशन में जो सैंपल होगा रिमूव मतलब कि मॉइस्चर फ्री जो सैंपल होगा उसका अगर जिस भी फाइंड आउट करेंगे तो उसका जो जिस भी है और ज्यादा आपको मिलेगा, यानी कि आपका जो 3300 आया है ना वो आपको लगभग 3600 या 3800 के करीब में, मान यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो इतना के करीब में आ गया। उसके बाद एक होता है हमारा ड्राई एस फ्री, यानी कि इसमें मॉइस्चर भी फ्री मतलब रिमूव कर देते हैं और एस जो है उसको भी रिमूव कर देते हैं, तो इसका जो जिस भी है वो सबसे ज्यादा आता है। तो इसका मान लीजिए कि हमारा कितना आ रहा है, 3800 किलो कैलोरी पर केजी आता है, ठीक है। तो ये मेनली चार तरह से सैंपल होता है और इस तरह से हम लोग जो सैंपलिंग है वो करते हैं। तो अभी मैं एक चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर कर देता हूँ जिससे आपको, अगर मान लीजिए कि हम लोग एआरबी बेसिस से हम लोग फाइंड आउट किए, क्योंकि एआरबी जो है वो बहुत ही सिंपल मेथड है कि जो भी सैंपल आया उसको डायरेक्ट आप बम कैलोरीमीटर में पहले सैंपल प्रिपरेशन कराइए, जैसे भी कोन एंड क्वार्टरिंग किया जाता है। तो मैं कोन एंड क्वार्टरिंग के लिए ऑलरेडी डिस्कस किया हूं, अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो हम लोग जो सैंपल कलेक्ट करते हैं उसके बाद कोन एंड क्वार्टरिंग करते हैं और उसके बाद फर्दर हम लोग उसका जो भी एनालिसिस करना है, अप्रॉक्सीमेट या अल्टीमेट एनालिसिस करना है उसको हम लोग करते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग एज रिसिप्ट बेसिस पे हमने जिस भी फाइंड आउट किया, तो उसके अनुसार हम लोग कैसे उसको मतलब कि एडीबी में कन्वर्ट कर दें या डीबी में कन्वर्ट कर दें या डीएफ में कन्वर्ट कर दें, इसके लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा चार्ट तैयार कर देता हूँ और उसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा चार्ट तैयार कर दिया है। इस चार्ट की मदद से आप चाहे किसी भी मेथड से सैंपल को कलेक्ट किए हों और जिस भी फाइंड आउट किए हों, तो उस जिस भी के अकॉर्डिंग आप दूसरे मेथड से उसका जिस भी कितना होगा ये इस चार्ट की मदद से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ इसमें 2 of 10, यानी कि अगर आपको एयर ड्राई मतलब पता करना है या ड्राई बेसिस पता करना है या एज रिसिप्ट बेसिस पता करना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इधर हमने लिखा है एआरबी यानी कि एज रिसिप्ट बेसिस, एडीबी यानी कि एयर ड्राई बेसिस और ये हमारा डीबी यानी कि ड्राई बेसिस। तो अभी मान लीजिए कि हमने एज रिसिप्ट बेसिस पे जो सैंपल है उसको कलेक्ट किया, यानी कि उसके अंदर टोटल मॉइस्चर है और उसके बाद हमने बम कैलोरीमीटर में उसका जीसीवी फाइंड आउट किया और जो हमारा जीसीवी है वो कितना आ रहा है, तो मान लीजिए कि 3000 किलो कैलोरी पर केजी जीसीवी आ रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि क्या पता करना है कि एयर ड्राई बेसिस उसका जिस भी कितना होगा, यानी कि एज रिसिप्ट बेसिस आपने लिया जिस भी फाइंड आउट किया, लेकिन आपको क्या पता करना है कि एयर ड्राई बेसिस एडीबी बेसिस पे हमारा कितना होगा। तो इसका सिंपल सा क्या है, तो देखिए एडीबी वाले में आइए और एआरबी बेसिस पे आपका है तो एआरबी यहां पे है, तो इस बॉक्स में आएंगे तो देखिए यहां पे आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इसमें करना क्या है कि इधर जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ये क्या होगा, मल्टीप्लाई
बाय, यानी कि एडीबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ए आर बी इंटू ये वाला 100 माइनस आई एम मतलब कि इनहेरेंट मॉइस्चर और डिवाइड 100 माइनस टी एम यानी कि टोटल मॉइस्चर परसेंटेज। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारा जो इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ए आर बी हमारा कितना है, ए आर बी हमारा कितना आया हुआ है 3000, तो 3000 कर दीजिए इंटू 100 माइनस आई एम मान लीजिए कि हमारा कितना है 2% है तो आप 2 कर दीजिए, और 100 माइनस टी एम मान लीजिए कितना है 8% है तो आप 8 कर दीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका जो जिस भी है वो 3000 से ज़्यादा आएगा, यानी कि हमारा जो एयर ड्राई बेसिस है उसका जिस भी यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली अगर आपको ड्राई बेसिस फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, ए आर वी इंटू ये कर देंगे तो आपको ड्राई बेसिस निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप ड्राई बेसिस आपको फाइंड आउट करना है और आपके पास ए डी बी है, यानी कि एयर ड्राई बेसिस आपके पास जिस भी ऑलरेडी मान लीजिए यहाँ पे 3500 जिस भी आपको आ गया और आपको निकालना है ड्राई बेसिस, तो ड्राई बेसिस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ए डी वी इंटू ये, यानी कि जिस बॉक्स में जो निकालना है उससे आपको इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि हमने इसको निकालना था तो इससे इससे इसके सामने जो भी रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो जिस भी है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए एक और हम लोग मेथड ऑफ सैम्पलिंग में डिस्कस किए थे, कौन सा, तो ड्राई एस फ्री यानी कि डी ए एफ बात किए थे, तो इसको अगर आपको फाइंड आउट करना है डी एफ अगर मतलब बी एफ के अकॉर्डिंग हमारा जिस भी कितना होगा, यानी कि ड्राई एस फ्री के बेसिस पे हमारा जिस भी कितना होगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो जो भी हमारा ड्राई बेसिस जिस भी आ रहा है यानी कि ड्राई बेसिस का जो जिस भी है उसमें आपको करना क्या है, तो 100 और डिवाइड कर दीजिए 100 माइनस एस, तो ये जो जिस भी आएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो ड्राई एस फ्री बेसिस आपका जिस भी आ जाएगा। तो कभी भी देखेंगे तो जो हमारा एआरबी का जो जिस भी है वो कम होगा, उससे ज्यादा ये होगा, उससे ज्यादा इसका होगा, और इससे ज्यादा आपका जो जिस भी है वो ड्राई एस फ्री बेसिस जो है उसका ज्यादा होगा। तो ये हुआ ऑल अबाउट, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एज रिसिप्ड बेसिस क्या होता है, एयर ड्राई बेसिस क्या होता है, या ड्राई बेसिस क्या होता है, या ड्राई एज फ्री बेसिस क्या होता है। तो ये हुआ आज के लिए ऑल अबाउट, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।